तो आप एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं कीजिए, अब जी परमेश्वर शपथ लेने के बाद वो सीधे जाते हैं सिद्धरमैया के पास, जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, और हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, फूल दिए जा रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिक्स और नैरेटिव फोटो अपॉर्चुनिटी में हर जगह कि भाई कोई खलिश नहीं, कोई रंजिश नहीं, ऑल अ हैप्पी फैमिली, इस तस्वीर पर अच्छा खासा जोर देती दिखाई दे रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में ऐसा कहते हैं कि जितना दिखाया जाता है वही लोगों तक पहुंचता भी है, और इसी कोशिश में ये पूरा कवायद की गई है। लेकिन एक बात आपने कुछ देर पहले बोली थी कि केसीआर नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मंच पर, जबकि कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर केसीआर को बुलावा देने के लिए न केवल फोन पर बातचीत की गई थी बल्कि एक इनविटेशन भी पर्सनल तौर पर उन्हें भेजा गया था। चुनाव की यदि बात की जाए तो चंद्रशेखर राव ने एक तरह से कहो तो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की बड़ी मदद की थी, बड़ी मदद इस लिहाज से हैदराबाद से लगा हुआ क्षेत्र है कर्नाटक का, उस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रतिनिधि उतारे थे, अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन एक या दो चुनाव प्रचार के बाद केसीआर के कहने पर ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार में नहीं गए और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पूरा एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में नजर आया।